झारखंड मुक्ति मोर्चा की बोकारो जिला इकाई ने आसाम नया मोड़ स्थित बिरसा चौक पर मशाल जुलूस निकाला। मशाल जुलूस के दौरान नेताओं ने PSL प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी भी की। यह मशाल जुलूस कल गुरुवार को विस्थापितों की जमीन वापसी एवं नियोजन को लेकर होने वाली महारैली के पूर्व संध्या पर आयोजित किया गया। उक्त अवसर पर झामुमो के जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी ने कहा कि विशेषल प्रबंधन यदि विस्थापितों की सरप्लस जमीन को वापस नहीं करता है या उन्हें नियोजन नहीं देता है तो झामुमो आंदोलन करेगी। बता दें कि कल गुरुवार को झामुमो ने बोकारो में महारैली का आयोजन प्रस्तावित रखा है। उन्होंने कहा है कि यदि विशेषल प्रबंधन अपने रवैया पर अड़े रहा तो इसका खामियाजा भी प्रबंधन को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कल आयोजित होने वाली रैली ऐतिहासिक होगी और BSL के खिलाफ आंदोलन का शंखनाद होगा। उन्होंने कहा है कि लंबे अरसे से प्रबंधन विस्थापितों को महज आश्वासन दे रही है लेकिन अब यह नहीं चलेगा क्योंकि झामुमो विस्थापितों के साथ खड़ी है। इंसाफी किए हो उसको अविलंब उनके साथ अभी तक जो नियोजन हो मुआवजा हो और जमीन का जो सरप्लस जमीन है अविलंब उसको वापस करने का काम करो अन्यथा झारखंड मुक्ति मोर्चा BSL प्रबंधन को छोड़ने नहीं जा रहा है। हम लोग को हम लोग